लाहौर न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। ओवरचार्जिंग की शिकायत का अजाला ना होने की खबर पर कमिश्नर लाहौर का एक्शन। गैर कानूनी स्टैंड्स और बेजाबतियों पर सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी राना शाहिद ओहदे से फारिग। फैसल वसीम ने सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी ताजुनात। लाहौर न्यूज़ ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और ओवर चार्जिंग की शिकायत की खबर नशर की थी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आईनी माहिरीन की राय तलब कर ली। जेल भरो तहरीक के हवाले से आईनी पहलुओं पर मुशावरत होगी। तहरीक के आगाज और गिरफ्तारियों के तरीकाकार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईडीएम को इंतकाम के झंडे के सिवा कोई और काम नहीं। शहबाज शरीफ ने मईशत तबाह करके रख दी। इनकी नाकिस कारकर्दगी सारी दुनिया ने देख ली। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से लीगल टीम की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही का गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ अदालत से रजू करने का फैसला। पीडीएम ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पीडीएम हुकूमत सेहत कार्ड की सहूलत खत्म करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। आम इंतखाबात में पीडीएम को तारीखी शिकस्त का सामना होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान जेल भरो मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का एनए 130 की यूसी 49 का दौरा। घर घर जाकर सेहत सहूलत कार्ड से मुतल्लिक आगाही पंपलेट्स तकसीम किए। तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वाली शख्सियात की तफसीलात का केस। सरबरा तोशाखाना की जानिब से बयान हल्फी जमा न कराने पर अदालत का सख्त इजहार बरहमी। क्यों ना तोहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी किया जाए। अदालत ने तोशाखाना के सेक्शन ऑफिसर का मुबहम जवाब मुस्तरद कर दिया। वो ऑफिसर कहाँ है जिसने बयान हल्फी के साथ तलब किया था। अदालत का इस्तफसार, हम तोशाखाना की तफसीलात अवाम के सामने लाने पर गौर कर रहे हैं। सेक्शन ऑफिसर का जवाब, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आइंदा समाअत पर बयान हल्फी जमा न करवाया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क्स, अदालत ने बयान हल्फी के साथ रिपोर्ट जमा कराने के लिए 21 फरवरी तक मोहलत दे दी। मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कल डीजी एंटी करप्शन और डायरेक्टर एफआईएस से जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक वजीर आला परवेज इलाही के मशीर आमिर सईद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। आईजी पंजाब की आमिर सईद रां की बाजियाबी के लिए 3 रोज की मोहलत की इस्तदा। कहते हैं आमिर सईद रां की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ कैमरों से मदद हासिल की। सरबरा पंजाब पुलिस की इस्तदा मंजूर। केस की कार्रवाई 3 रोज तक मुलतवी। ये जो इंतखाबात सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की बात है, मेरा जाती मौकफ तो यह है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियोस क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतमिल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतखाबात ही होते रहें और कोई दूसरा काम ना हो। बगैर किसी वजह के असम्बलियाँ तोड़ें, अब कह रहे हैं मैं इंतखाबात कराएं। ये मुमकिन नहीं पूरा साल मुल्क में इंतखाबात हों और दूसरा कोई काम ना हो। अलग अलग इंतखाबात से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात इल्तवा का शिकार हुए। पीटीआई को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जाती राय है मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। ख्वाजा साद रफी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान ने एहतसाब अदालत में हाजिरी मुकम्मल कराई। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर की शरीक मुलजिमान का जिमनी चलान जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा मंजूर। समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की अबूरी दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। हमें मुलजिम की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। अदालत ने हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 17 फरवरी तक तौसी कर दी।
पंजाब में ऑफिसर्स के तकरार और तबादलों के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। अदालत ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए।